नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस 18 का दूसरा वीकेंड के वार के एपिसोड की शूटिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे वीकेंड के वार के एपिसोड में सलमान खान ही होस्ट करते हुए नजर आएंगे। पहले ये खबर सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई की वजह से सलमान खान शूटिंग नहीं करेंगे, लेकिन सलमान तो हमारे भाईजान हैं और बिग बॉस की आन बान मान व शान है, उन्हें तो आना ही था और वो शूटिंग करते हुए नज़र आए और उन्होंने इस बार चाहत पांडे की जमकर की है तारीफ। चाहत पांडे को दिया है सबसे बड़ा तोहफा और चाहत पांडे को पूरी तरह से इंसाफ दिलाते हुए सभी घर वालों के होश जो हैं पूरी तरह से उड़ाए हैं। अब सलमान ने कैसे इंसाफ दिलाया और कैसे उनकी जमकर तारीफ की और कैसे उन्हें सबसे बड़ा तोहफा दिया, सारी बातें बताएंगे आज हम पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। सलमान खान आएंगे स्टेज पर और सलमान खान को देख कर यहां चाहत पांडे पूरी तरह से इमोशनल होते हुए नजर आएंगी और इसकी सबसे बड़ी वजह चाहत अकेले पड़ चुकी हैं घर में, चाहत पूरी तरह से टूट चुकी हैं, चाहत पांडे एक तरफ और पूरा का पूरा घर एक तरफ। चाहत पांडे पर बहुत सारे आरोप लगाएंगे सारे घर वाले कि चाहत पांडे जो है ड्रामा करती है, अटेंशन सीकर है और कैमरों के लिए उन्होंने अनशन तोड़ा और कैमरों के लिए उन्होंने बहाना बनाया कि उसे भूख लग रही है और कैमरों के लिए ही वो सब कुछ करती है। चाहत पांडे बोलती है सलमान से कि मैं कैमरों के लिए मैं कुछ भी नहीं करती, मुझे भूख लग रही थी और इसीलिए मैंने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बात की सज़ा जो है पूरे घर वालों ने मुझे दी, पूरे घर वालों ने मुझे मेरे कपड़े को फाड़ा, पूरे घर वालों ने मुझे पूरी तरह से डांटा, पूरी तरह से फटकार लगाया, गालियां दी और मेरे हाथ को मरोड़ने की कोशिश की। सारा अरफीन खान तो मुझे पूरी तरह से यहां पर अटैक करने की ही कोशिश कर रही थी और चुम दरंग तो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आएंगी सलमान से चाहत। अब चाहत की बातों को सुनने के बाद सलमान ये कहते हुए नजर आएंगे कि तुमसे ज्यादा इस घर में रियल कोई नहीं, ये बात बोलकर सलमान खान सभी घर वालों को झटका देते हुए नजर आएंगे। अब सलमान खान कहेंगे कि मुझे लगता था पहले कि तुम सबसे ज्यादा फेक कर रही हो इस घर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़े तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे ज्यादा रियल कंटेस्टेंट इस घर में कोई नहीं, ये बात कहते हुए नजर आएंगे। इसके बाद सलमान खान बोलते हुए नजर आएंगे, सबसे पहले तो आएंगे सारा अफरीन खान पर और सारा अफरीन खान को बोलेंगे कि तुम दूसरों के माइंड को रीड करती हो, दूसरों के माइंड को तुम कोच करती हो, तो माइंड कोच के नाम से तुम और तुम्हारा पति जो है वो जानते हैं इस इंडस्ट्री में, सारा और अफरीन खान दोनों, तुम दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से तुमने चाहत के साथ बिहेवियर किया उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि माइंड असली तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए और तुम्हें अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुम बिहेव कर रही थी ना, पागलों जैसा बिहेव कर रही थी, ये बात जो है वो बोलते हुए नज़र आएंगे। और ईशा सिंह की बात करेंगे सलमान खान और ईशा सिंह को कहते हुए नजर आएंगे कि तुमसे तो बात ही मेरे को नहीं करनी, तुम तो दल बदलू हो और तुम बातें इधर का उधर करती हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चुगलियां ही बोलना आता है और तुम्हें देखकर ऐसा लगा हमें कि तुम स्टैंड लेने की कोशिश कर रही हो वहाँ पर अनशन वाले मुद्दे पर, लेकिन तुम स्टैंड नहीं, तुम सबसे ज़्यादा फूल लग रही थी उस इंसिडेंट में, ये बात कहते हुए सलमान खान नज़र आएंगे और चुम दरांग की भी जमकर लगाने वाले हैं दोस्तों क्लास। और यहाँ चाहत पांडे को बोलेंगे कि चाहत पांडे अगर उसको भूख लग रहा था और चाहत पांडे आप सभी लोगों के अनशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी तो वो नहीं बनना चाहती थी, उनका इंडिविजुअल फैसला है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस बार पूरे लोगों ने चाहत को हीरोइन बना दिया है, ये बात बोलकर चाहत पांडे की तारीफ करते हुए नजर आएंगे और बोलते हुए नजर आएंगे कि चाहत उस चीज को जो है वो डिजर्व भी करती है, क्योंकि दो हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ चाहत ही चाहत जो है वो हो रहा है घर के अंदर, ये बात कहते हुए नजर आएंगे। और सलमान खान चाहत के लिए स्पेशल खाना भी भिजवाने वाले हैं, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ चाहत पांडे के लिए भिजवाएंगे, सारे घर वालों को लगने वाला है दोस्तों ये सब देखकर सबसे बड़ा झटका। तो उड़ने वाले हैं दोस्तों चाहत की वजह से सारे घर वालों के होश इस तरह से। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट दोस्तों।